दोस्तों, आजकल जो चल रहा है, जैसे एक तरह किसान सुसाइड कर रहा है, दूसरी तरह जो स्टूडेंट्स है एग्जाम में फेलने के डर से या पढ़ाई करने के डर से सुसाइड कर रहा है, बस उन्हीं के दिल में एक आशा की किरण जगाने के लिए मैं ला रहा हूँ आशा एक नई उम्मीद। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। नजदीकी एक कमरे में चार मोमबत्तियां जल रही थी। एकांत पाकर आज वे एक दूसरे से दिल की बातें कर रही थी, पर वहां कोई एक था जो इनकी सारी बातें सुन रहा था। मैं शांति हूँ, पर मुझे लगता है कि अब इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है। हर तरफ अपराध और लूट मार मची हुई है, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। और ऐसा कहते हुए कुछ ही देर में मोमबत्ती बुझ गई। मैं विश्वास हूँ, और मुझे लगता है कि झूठ और फरेब के बीच मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और दूसरी मोमबत्ती बुझ गई, और तीसरी मोमबत्ती दुखी होकर बोली, मैं प्रेम हूँ, मेरे पास चलते रहने की ताकत है, पर आज हर कोई इतना व्यस्त है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। दूसरों से तो दूर लोग अपनों से भी प्रेम करना भूल रहे हैं। ये सब और नहीं सह सकती, इसलिए मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ। और ऐसा कहते ही तीसरी मोमबत्ती बुझ गई। वह अभी बुझी ही थी कि एक मासूम सी बच्ची उस कमरे में दाखिल हुई। मोमबत्तियों को बुझे देख वह घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह उदास होते हुए बोली, तुम मोमबत्तियां जल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें तो अंत तक जलते रहना है। तुम हमें इस तरह बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हो? प्यारे बच्चे, घबराओ नहीं, मैं आशा हूँ, और जब तक मैं जल रही हूँ, हम बाकी सारी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं। यह सुन बच्ची की आंखें चमक उठी और उसने आशा के बल पर शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया। जब सब कुछ बुरा होते हुए दिखे, चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आए, अपने भी पराए लगने लगे, तो उम्मीद मत छोड़िए, आशा मत छोड़िए, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है कि यह हर खोई चीज लौटा सकती है। अपनी आशा की मोमबत्ती जलाए रखिए, बस अगर ये जलती रहेगी तो आप किसी और मोमबत्ती को भी फिर से प्रकाशित कर सकते हैं।